कि मुझे भी शादी करनी चाहिए। क्या कह रहे हो? मैं उनसे जमदानी को जबान दे चुकी हूँ। ऐसे कैसे आप जबान दे चुकी हैं? मेरी जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन और आपने ये भी नहीं सोचा कि आप मुझसे पूछने पहले। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ बोलो। अनाया, I want to marry you. जब तुम्हारे माँ बाप जिंदा थे तुम्हारा बाप क्या करता? मिस्बा को शादी मुझसे करनी है या मेरे पेरेंट्स की हिस्ट्री से? बड़ा हो अनाया प्लीज मेरी बात सुनो। आपके सामने आपकी बेटी की इंसल्ट की गई है, उसे रुपए पैसे के लालची होने का ताना दिया गया है, लेकिन आप उसकी तकलीफ कैसे महसूस कर सकती हैं? आपने तो उसकी कीमत वसूल की है ना? अनाया, मम्मी की तरफ से मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। क्यों? गलत क्या कहा है उन्होंने? सही तो कह रही थी। लोग पैसे के लिए अपनी मताए जहां तक को भूल जाते हैं। लेकिन तुम बिल्कुल ऐसी नहीं। जानते क्या है आप मेरे बारे में? मेरा दिल कहता है तुम बिल्कुल मेरी बेटी जैसी लगती हो। तुम फिक्र मत करो, मैं मम्मी को मना लूंगी। प्लीज, मुझे आपके फेवर की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके बिना भी जी सकती हूँ। मैंने आपसे ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था दादी। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे नहीं पता था कि अनाया को आपके सामने लाने के लिए मुझे 100 दफा सोचना पड़ेगा। कल तक तो तुम इस बात से खफा थे कि राबिया ने 2% की लड़की को दफ्तर में हायर किया हुआ है और आज वही लड़की तुम्हारे लिए इतनी अहम हो गई है। वो क्या है, मुझे ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है। कोई हक नहीं था आपको इस तरह ट्रीट करने का उसे। जो किया ठीक किया। मैं तुम्हें सुलेमान के नक्शे कदम पे नहीं चलने दूंगी। मैं डैड नहीं हूं और ना ही मैं राबिया हूं। जो डिसीजन मैंने लिया है उसे मैं एक कदम पीछे नहीं हटूंगा। मिस्बा, प्लीज टेंशन पे मत आओ, मैं सुलेमान से बात करती हूँ। अनाया बहुत अच्छी लड़की है, वो अम्मी जान को मना लेंगे। आपको बॉदर करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अनाया को किसी और के किए की सजा भुगतने नहीं दूंगा। कंसर्न था आपके लिए चिली मिस्बा के लिए, उसकी खुशी के लिए आप सबसे लड़ सकती हैं। काश यही कंसर्न आपके दिल में उस 4 साल की बच्ची के लिए होता जो दोजख में धकेल दी गई थी। मैं रातों को रोती थी अम्मी, सो नहीं पाती थी। आपको क्यों कभी मेरी याद नहीं आई अम्मी? क्या पैसे में इतनी ताकत है? अम्मी, अगर मिस्बा
अनाया से शादी करना चाहता है तो आप इस बात को इतना इश्यू क्यों बना रही हैं? तुम तो यही कहोगे, तुम्हारे सिखाए पर ही चल रहा है वो। देख लो तुम्हारा किया किस तरह सामने आ रहा है। मम्मी आपको मुझसे इख्तलाफ है, प्लीज आप इसकी सजा मिसबा को तो मत दीजिए। तुम क्या चाहती हो, इस घर को दारुल अमान बना दूं मैं? एक एक करके सारी बेसहारा लड़कियों को इकट्ठा कर लूं यहाँ? प्लीज अम्मी, बस अम्मी, मेरे लिए मेरी औलाद से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई नहीं है। मिसबा ने पहली बार जिंदगी में मुझसे कुछ मांगा है और मैं उसकी खुशियों को बर्बाद करने की इजाजत किसी को नहीं दे सकता, आपको भी नहीं। अनाया ही इस घर की बहू बनेगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। शादी की तैयारी करो। ये सब तुम्हारा किया धरा है। उसे अपना नाम सुनकर आज भी इतना ही सुकून मिलता है। तुम सुन रही हो ना? जी कहिए। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक। मिसबा बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। जी तुम्हारी मोहब्बत जीत गई है नाया। सुन रही हूँ ना, क्या हुआ तुम्हें? जी कुछ नहीं, बस अम्मी याद आ गई थी। अब तुम अकेली नहीं होना है, जिस तरह मैं इमाद और मिसबा की माँ हूँ तुम्हारी भी माँ हूँ। आप मेरी ही माँ हैं अम्मी, क्यों आपने मुझे खुद से इतना दूर कर लिया? मुझे नफरत है आपसे, शदीद नफरत। अब तुम जल्दी से आ जाओ मेरी बेटी बनकर इस घर में, बहुत इंतजार है तुम्हारा। अपना ख्याल रखना। अरे ओ, इतना सारा सामान कहाँ से उठा लाए? कहाँ से आए ये पैसे तेरे पास? मैं सारा दिन ऑफिस में होती हूँ, आपको किसी चीज की जरूरत ना पड़ जाए इसीलिए ले आई। अरे वाह भाई वाह, आज बड़ा ख्याल आ गया तुझे मेरा। हम तो सिर्फ दो ही लोग हैं, बिला वजह इतना पैसा बर्बाद कर दिया। इस उम्र में कहाँ धक्के खाती फिरेंगी आप, बस यही सोच कर ले आई मैं। देख अनाया, तेरी माँ की तरह तेरे पर तो नहीं निकल आए। अगर तूने कोई गलत कदम उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? हाँ, ये फैसला मैं अपनी माँ के लिए कर रही हूँ। शायद हर लड़की मिसबा जैसे हमसफर की ख्वाहिश करती होगी, लेकिन मैं
मैं ये शादी इसलिए कर रही हूँ ताकि अपनी आंखों के सामने आपको उजड़ता देख सकूं अम्मी। अरे जवाब दे, सोच क्या रही है, बोलती क्यों नहीं? अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है ना तो कल जाके मैं वापस करवा के आ जाऊंगी। दिमाग तो देखो, सातवें आसमान पे रहता है इसका, अल्लाह जाने क्या करने वाली है। अरे राबिया, तुम्हारी आंखों में नमी देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम बहू नहीं ला रही बल्कि बेटी को रुखसत कर रही हो। जी सुलेमान, मैं अनाया में अपनी बेटी को तलाश करती हूँ। उसकी रुखसती की खुशी को महसूस कर सकती। देखो राबिया, फोटो सेशन हो रहा है, अगर आप दोनों आ जाते तो मजा आ जाता। चलो आओ राबिया। Send me photograph, please. Oh, sure, sure. Yeah? अगर उसे जरा भी रस्म और रिवाज की समझ होगी ना
तो नाश्ते पे आते हुए शर्मिंदा होगी। हाँ, अगर तुम्हारी बीवी की तरह निकली तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को भिजवाती हूँ। मैं देखूँ तो तुमने ठीक तरह से कुछ नहीं खाया। नहीं, बस इतना ही है। अरे वाह, सारी रात भूखी रहोगी क्या? अपने प्यारे रिश्तों का ख्याल रखना चाहिए। मेरे को आपको सब कुछ पता ही है, लेकिन मिसबा, तुम्हें कुछ खाना है भिजवाऊं? नो थैंक यू, तो आप प्लीज जाइए। ठीक है, अगर कुछ चाहिए तो चले दुख करवा के। हमारी स्टेप मदर को आदत है बिना वजह ये शो करने की कि उनको सबकी फिक्र है। इसमें वो मुझे भी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तुम जैसे भी कुछ लाना चाहो उसी तरह चलो। उनकी फिक्र मत करो, उनकी बस इतनी ही अहमियत है। डैड और इमाज को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन मुझे आजादी देनी। अच्छा, वो आपने मुझे उनकी हैसियत बता दी, मैं भी इस चीज का ख्याल। हम अपनी वेडिंग नाइट पे उस शख्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं जिसकी अहमियत ही नहीं हमारी जिंदगी। शादी के अगले दिन नाश्ता मिलके से आता, लेकिन इस घर के तौर तरीके निराले। बहू आई तो ऐसी के न खानदान का पता न घर बार का। अम्मी, अगर हम उसे अपनी बेटी मानें तो ये घर बार और ये खानदान उसका नहीं है। मान लेने से हकीकत नहीं बदलती। बेटा, भाई मामा कहाँ है और ये मिसबान आया कहाँ है? आते ही होंगे। अगर उसे जरा भी रस्म और रिवाज की समझ होगी ना तो नाश्ते पे आते हुए शर्मिंदा होगी। हाँ, तुम्हारी बीवी की तरह निकली तो अल्लाह अल्लाह खैर सदा। अरे दादी, आप क्यों टेंशन लेती हैं? कल हम दोनों 5-स्टार होटल में जाके नाश्ता करेंगे। ओके, मॉर्निंग। मॉर्निंग। बेटा आया कहाँ? कैब चेंज कर रही है, आती होगी। इस बार तुमने उसे बताया नहीं कि ब्रेकफास्ट इस घर में कितने बजे होता है? आज उसका इस घर में पहला दिन। आप जानती हैं कि रात सोते सोते हमें कितनी देर हो गई। आ जाए, सोके प्लीज। बीवियों को पहले दिन ही सिखा देना चाहिए कि घर के क्या तौर तरीके, उसमें बेहतरी।
वरना बड़े घर में आके लड़कियां अपनी औकात भूल जाती हैं। अम्मी, खुदा का वास्ता कभी तो इन बातों को उठाकर एक तरफ रख दिया कर। तुम तो दुआ करो कि मेरी जुबान ही गंद हो जाए, मेरी तो हर बात ही बुरी लगने लगी। तो सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन मैं आपके सामने आपके ही रूप में खड़ी हो जाऊंगी। उस घुटन ज़दा घर से आप जिस महल में आई थी, आज मैं भी उस महल की ज़ीनत बन गई हूँ। गुड मॉर्निंग। इस घर की पहली रोशन सुबह बहुत मुबारक हो। बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। ये सब क्या है? जब बेटियां घर से ससुराल आ जाती हैं, तो माँ बाप की तरफ से सौगात होती है। अगर मेरी बेटी होती तो शायद मैं ऐसे ही करती। खैर, तुम हो ना मेरी बेटी। लेकिन आपकी तो बेटी है, शायद भूल गई होंगी इस खूबसूरत महल में आने के बाद। मुझे ये सब मिसबा ने बताया। साहब, आप लोग को नाश्ते पे नीचे बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है, आती हूँ मैं। देखो बातों बातों में भूल ही गई, नीचे नाश्ता ठंडा हो रहा है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। आ जाओ। गलतियों का एहसास दिलाती रहूंगी अम्मी। आप सही कह रहे थे। आपकी मामा एक बहुत चालाक और होशियार औरत है, उन्हें मोहब्बत के दिखावे करना खूब आता है। कैसे दिखाओ? आपने थाली नहीं देखी? क्या ये? कह रही थी उनके यहाँ रिवाज है कि शादी की पहली सुबह बेटी के लिए एक माँ ये सब कुछ लेकर आती है। तो वो मुझे बेटी समझकर एक माँ बनकर ये सब कुछ ले आई। ड्रामा है सब। मेरे साथ भी काफी दफा ये ड्रामे करने की कोशिश कर चुकी हूँ, मैं क्या करने में नहीं आता। खैर, इसको कमरे से निकलवाएं प्लीज। जन्नत बीबी, जन्नत बीबी। अरे जन्नत बीबी, ये आप कहाँ ले जा रही हैं? वो जी, छोटी बहू ने कहा है कि उन्हें इन चीजों की जरूरत नहीं है, इसे आप रख लें या किसी जरूरतमंद को बुला के इसे दे दें। इतना सारा काम बिखरा पड़ा है,
मेरे सर पर डालकर ये लड़की पता नहीं कहां दफा हो गई है। इतना भी नहीं सोचा, अरे मेरी बूढ़ी दादी कैसे करेगी ये सब कुछ। अरे उसे इतना भी ख्याल नहीं आया कि मैं अपनी दादी को फोन ही कर लूं। मामा आप यहाँ हैं, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए? तुम्हारी डैड के लिए चाय बना रही थी ना, तो बस यही थी। मामा कोई बात हुई है क्या? आप सैड लग रहे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मामा, अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं रहा, क्या मुझे कुछ भी कह के बहला दे। तुम चाहे जितने भी बड़े हो जाओ, मेरे लिए तो छोटे से बच्चे। मामा डोंट ट्राई टू चेंज द सब्जेक्ट, प्लीज मुझे बताएं, मुझसे शेयर करें, आखिर बात क्या है। इस अनाया को देखती हूँ तो मुझे मेरी अनाया याद आती है। क्या सोचती होगी वो मेरे बारे में कि मेरी माँ ने मुझे तलाश करने की कोशिश भी नहीं की? क्यों मुझे गलत मत समझती? मामा आपने तो हमें इतना प्यार दिया, और फिर अनाया तो आपकी सगी बेटी है। कोई गलत नहीं समझ सकता, ट्रस्ट मी। तुम्हारे डैड चाय पे इंतजार कर रहे होंगे। मैं ले जाऊं? मैं ले कुछ परेशान लग रही हो। मैं देख रहा हूँ तुमने नाश्ता भी कुछ ठीक से नहीं किया आज, क्या बात? नहीं नहीं ऐसे ही आप कर रहे हैं, ठीक। देखो राबिया हमारा रिश्ता इतना बेतबार इतना सतही नहीं है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ अपने दुख सुख भी शेयर ना कर सके। बताओ क्या बात? पता नहीं सुलेमान, कभी कभी सोचती हूँ कि हाँ हाँ बोलो बोलो क्या बात है, तुम्हें इतना परेशान किया हुआ जिसने इस बारे कुछ कहा है क्या? अरे नहीं है इस बारे कुछ नहीं कहा। तो फिर फिर क्या है? बस ऐसे ही सोचती हूँ कि कभी शायद मैंने अलाया को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की, कभी अगर अचानक मेरे सामने आ गई तो मैं क्या जवाब दूंगी उसे? कैसे क्या हो रहा है? कुछ नहीं, चाय एंजॉय हो रही है, आओ बैठो। तुम लोग बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। नो थैंक यू, तुम मुझे बताओ। Thank you.
मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है उसके इस रवैये पर। अगर इस जगह पर आपकी अपनी औलाद होती वो आपके साथ ऐसे करती भला? ये क्या कह रही हो तुम? सब मेरे लिए सगी औलाद जैसे तुम, और तुम्हारे रूप में तो मुझे इतनी प्यारी बेटी मिली है। इसी तरह सिसक के रोई थी मैं जब आप मुझे छोड़कर चली गई थी। अब आपकी बारी है, अब वक्त आ गया है कि आप मेरे आंसुओं का बदला चुकाएं। अरे तुम यहाँ? तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझे बता देती, यहाँ क्यों आ गई? आप रो रही हैं? मैं? नहीं नहीं, मैं रो तो नहीं रही, शायद आँख में कुछ चला गया है। मुझे लगता है आज तक मिसबा ने आपको ऐसा मदद एक्सेप्ट ही नहीं किया। आप हर्ट तो होती होंगी ना? ऐसी कोई बात नहीं है, वो एक संजीदा मिजाज लड़का है लेकिन बहुत मोहब्बत करने वाला है। हर रिश्ते से मोहब्बत करनी आती है उसे, तुम्हें भी वो बहुत खुश रखेगा। मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है उसके इस रवैये पर। अगर इस जगह पर आपकी अपनी औलाद होती वो आपके साथ ऐसे करती भला? कभी नहीं। अरे ये क्या कह रही हो तुम? तुम सब मेरे लिए सगी औलाद जैसे तुम, और तुम्हारे रूप में तो मुझे इतनी प्यारी बेटी मिली है। आपको वो याद तो आती होगी ना? चाहिए तो मुझे बताओ ना। नहीं माँ, क्यों याद आएगी मेरी? इस दौलत के नशे ने आपको इस कदर बेहिस कर दिया है कि आपको अपनी इंसल्ट भी महसूस नहीं होती, तो मुझे कैसे याद कर सकती हैं? Dad, I'm very excited about this project. मैं जानता हूं कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, but I believe कि इस प्रोजेक्ट की सक्सेस हमारे बिजनेस को एक नए मुकाम पर पहुंचा देगी। That's very good. बेटा, मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि अपनी सारी एफर्ट्स पुट इन करके इस बिजनेस को एक रिस्पेक्टेबल लेवल पर ले जाऊं, एंड आई एम श्योर कि तुम्हारे भी इसके बारे में यही जज्बात होंगे। क्यों ना रखें भाई, आखिर सब कुछ तो इन्हीं का है। जी, ये सब कुछ इन्हीं का है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये लोग अपनी मेहनत और लगन से इस बिजनेस को और फैला। I will inshallah. But Anaya ने इस प्रोजेक्ट में मेरी बहुत हेल्प की है।
हाँ अनाया है कहाँ? नजर नहीं आ रही। और तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग तो होगी ना आपस में? डैड अंडरस्टैंडिंग थी तो शादी की है ना। जरूरी तो नहीं, ऐसे तुम दोनों बाप बेटों को दूसरों के फलाओ बहबूद का बहुत शौक है। ऐसी भी कोई बात नहीं है दादी, एक्चुअली रियली लव हर। दादी ने अपनी फ्रेंड्स को डिनर पर बुलाया है और मुझे तैयार होने को कहा है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। आप मेरी हेल्प कर देंगे? आप कुछ भी पहनें, आप तो बहुत अच्छे लगे। और बाय द वे, आप दादी का इवेंट अटेंड नहीं करेंगे। क्यों? कि हम डिनर पे जा रहे हैं। दादी माइंड कर लेंगी, उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बुलाया, मुझे रेडी रहने को भी कहा है। आई डोंट केयर। और ये वाला ड्रेस ट्राई। ये वाला? ऐसा ड्रेस मैंने पहले कभी नहीं पहना, मुझ पे सूट नहीं करेगा। ऐसा कोई ड्रेस ही नहीं है जो आप पे सूट ना करे। ट्राई करके देखो। हाय शर। Look gorgeous. चले। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? डिनर पे दादी। डिनर पे? अरे डिनर तो घर पर है, मैंने बताया था अनाया को। डिनर तो आप लोगों के लिए ना, आपकी फ्रेंड्स के लिए। You enjoy yourself. ये किसके लिए लेके जा रही हैं? इमाद के लिए लेकर जा रही हूँ। पढ़ाई में इतना मसरूफ हो गया है, ना खाने का होश है ना पीने का। दूध पिएगा तो एनर्जी आ जाएगी। कितना खुशनसीब है इमाद, आप उसकी इतनी परवाह करती हैं। मैं बहुत छोटा था जब मम्मा पहली बार घर आई थी। मुझे तो अपनी असली मम्मा के बारे में कुछ याद भी नहीं। मम्मा ने हमसे बहुत प्यार किया। जिस औरत ने अपनी बेटी को तलाश करने की एक कोशिश नहीं की, उसकी मोहब्बत पे तुम कैसे यकीन कर सकते हो? मेरा एक ख्वाब है, मैं भी ऐसे ही किसी घर की मालिक बनूं, उसको अपने हाथों से सजाऊं, उसके हर एक जर्रे पे सिर्फ मेरा हक हो। मैं तुम्हारा एक ख्वाब एक दिन जरूर पूरा करूंगा ना।